देश में फैली बेरोजगारी महंगाई को लेकर कांग्रेस ने जन जागरण पद यात्रा निकाली। यह यात्रा कनकरदेही मंझौली हठौली खबरा से होते हुए वायुदेव आश्रम में संपन्न हुई। यात्रा में पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी, दमोह विधायक अजय टंडन और सैकड़ों कार्यकर्ता पद यात्रा में शामिल हुए। वहीं इस दौरान विधायकों ने बताया कि आम जनता को महंगाई से इतनी परेशानी हो चुकी है कि आज सैकड़ों की संख्या में लोग रोड पर आकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों को उचित दाम पर खाद नहीं मिल पा रही है। वहीं पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी ने कहा कि युवा जो देश का भविष्य है वो आज बेरोजगार है। सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में पूरी तरह फेल हो चुकी है। सरकार झूठे वादे ही कर सकती है। साथ ही अवस्थी ने कहा कि देश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर बढ़ चुकी है, पर सत्ता में बैठे लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता। सम्माननीय सुनील जैन साहब और हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए इस बात को लेकर, बढ़ती हुई महंगाई, किसानों को समय पर बीज ना मिलना, खाद ना मिलना, यूरिया ना मिलना, DPA ना मिलना और महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, और उसके साथ ही साथ युवा जो है बेरोजगार घूम रहा है, उन सब मांगों को लेकर इस सोई हुई सरकार को हम लोगों ने जगाने का प्रयास किया है। और आपने देखा होगा, आप लोग भी साथ में थे, और आपके माध्यम से हम लोग ये कहना भी चाहते हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्र के हर पोलिंग बूथ से कार्यकर्ता आया था, हजारों की संख्या में इस उपस्थित कार्यकर्ताओं ने ये संकेत दे दिया है कि 2023 में जो आम चुनाव होगा उसमें निश्चित रूप से इस विधानसभा को कांग्रेस पार्टी जीतेगी। वो तो सीधा सीधा है, जो भाजपा की सरकार है, बड़े आदमियों की सरकार है, कालाबाजारी करा रहे हैं, व्यापारियों को मुनाफा दे रहे हैं, किसान अपने लाइन लगाए हैं। शिवराज सिंह चौहान जी अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, अगर सच्चे किसान के बेटे हैं तो 2 महीने पहले सोसाइटियों में खाद बेच देते। किसान के बेटे नहीं है, बड़े आदमियों के बेटे। ग्रामीण भारत TV के लिए जबलपुर से सूर्यकांत पांचाली की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना।